अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटे आज जो हम एक्सरसाइज देखेंगे, नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 3.2 है मैथ्स की। तो इसमें हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। हमें कॉमन लॉगरिथम जो है वो मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 232.92। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमने जो वो लॉग मालूम करना है, लॉगरिथम। इसमें हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? पहला हम नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब जो ज़ीरो नहीं होगा उसको हम जो स्किप करेंगे, इसको छोड़ेंगे, और उसके बाद हम प्लेस ऑफ रेफरेंस देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लेस ऑफ रेफरेंस। पहला डिजिट छोड़ के हम यहाँ पर एक छोटा सा ये साइन जो है वो ये हमारा प्लेस ऑफ रेफरेंस का साइन है। प्लेस ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट और प्लेस ऑफ रेफरेंस के दरमियान हमारे जितने डिजिट्स होंगे वो हमारा करैक्टरिस्टिक्स होगा। जैसे हमारे पॉइंट, प्लेस ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान टू डिजिट्स हैं, तो करैक्टरिस्टिक्स हमारी जो है वो क्या होगी? टू होगी। नेक्स्ट बेटे इसका जो मेंटिसा फाइंड आउट करना है, तो मेंटिसा फाइंड आउट करने का जो मेथड जो है वो ये है कि हम 23 को 2 में देखेंगे। अब देखिए बेटे, हमारे पास ना बुक के एंड पे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल ऑफ लॉगरिथम। अब इसमें हम देखेंगे 23 है हमारे पास, 23 को, ये ज़ीरो का कॉलम है, ये वन का और टू का। 23 के सामने हम टू के कॉलम में देखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ रही है 3655 आ रही है। तो यहाँ पे हमने जो इसकी 23 को टू के कॉलम में देखा तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो थी 3655। अब इसके बाद देखिए बेटे क्वेश्चन में, ये तो हमने 23 को 2 में देख लिया। अब इसके बाद अगला डिजिट हमारे पास है 9, तो 9 जो है वो इसको हमने देखना डिफरेंस में। नेक्स्ट बेटे आपके पास एक मीन डिफरेंस इस कॉलम, ये डिफरेंस का कॉलम है। 23 के ही सामने हमने 9 में इसका डिफरेंस देखना है। ये बेटे 9 का कॉलम है, 23 के सामने हम आएंगे और 9 में हम देखेंगे तो इसका जो वो डिफरेंस हमारे हमें जो ऑब्टेंड हो रहा है वो है 17। तो जितना वो डिफरेंस होगा वो हम इसके इस मेंटिसा में ऐड अप कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा ये 3672। यहाँ तक बेटे क्लियर हो चुका है आपको? मैं मेंटिसा का जो वो स्टेप आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि हमने पहले 23 को कॉलम नंबर 2 में देखा, 2 के कॉलम में देखा तो हमें ये ऑब्टेंड हुआ। 23 को 2 में देखा तो 3655 हमें जो वो ऑब्टेंड हुआ। उसके बाद अगला डिजिट इसका 9 था, तो 9 को हमने 9 को 9 का डिफरेंस देखा तो ये हमारा 17 था। अब हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास 3672 जो है वो ऑब्टेंड हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे जो 2 था ये आप ये कहाँ पे गया? तो इसको हमने स्किप कर दिया बेटे। पहले हमने दो डिजिट्स को लेना है सेकंड में, इसमें मंटीसा में देखना है। नेक्स्ट जो हमारा होगा उसको हमने डिफरेंस में देखना है, और उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे हम उनको राउंड ऑफ कर देंगे, इनको स्किप कर देंगे। तो हमारे पास ये 3672 ऑब्टेंड हुआ। और जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स थी, जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स थी ना टू, वो हमने टू पॉइंट मतलब वो पहले लगा दिया, उसके बाद पॉइंट, और उसके बाद जो हमारा मंटीसा था हमने उसको लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। बेटे सारे क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट के ऐसे ही करने हैं, तो इनका जो वो मंटीसा आप लॉग टेबल से देखेंगे। इसमें बेटे दो टेबल्स हैं, एक लॉगरिथम टेबल है और एक एंटी लॉगरिथम टेबल है। तो आपने लॉग का टेबल देखना है, यहाँ पर मैं लॉग की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको जो हमने स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आए, यहाँ पे इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें किसी नंबर का कॉमन लॉग दिया हुआ है, कॉमन लॉगरिथम जो हमें दिया हुआ है, और कहा गया है कि इसमें नंबर फाइंड करें। इसमें हमें नंबर दिया हुआ था और कहा गया था कि लॉग मालूम करें, हमने इसका लॉग मालूम कर लिया। अब हमने उसके एंटी काम करना है, एंटी मतलब उसके उलट काम करना है। ये हमें लॉगरिथम दिया हुआ है, हमने इसका जो नंबर फाइंड आउट करना है बेटे। तो इसमें इस तरह से है कि इसमें हमें वो प्लेस ऑफ रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट से पहले जो डिजिट होगा वही हमारी करैक्टरिस्टिक्स होगी। पॉइंट से पहले जो हमारी जो डिजिट होगा वही हमारी करैक्टरिस्टिक्स होगी बेटा। यहाँ पे देखें, वन के ऊपर एक बार है, बार एग्जैक्ट, ये इस टाइम जो नेगेटिव का साइन है,
तो यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन है। मेंटिसा हमने जो वो किस तरह से देखना है बेटे, ये हमारे पास ये लॉगरिथम का टेबल था जिसमें हमने 23 को देखा था। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है एंटी लॉगरिथम टेबल। एंटी लॉगरिथम टेबल में देखें ये पॉइंट से जो वो डिजिट शुरू हो रहे हैं 0.00। अब इस तरह जो हमने देखना था 74 को, 0.74 को 2 के कॉलम में देखना है बेटे। तो ये नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है बेटे, देखिएगा बेटे 74 को हमने कॉलम नंबर 2 में देखा, तो ये हमारे पास 5521 आया। यहाँ पे बेटे देखिएगा 72 को 0.74 को हमने किस में देखा, ये 2 के कॉलम में देखा, तो हमें जो ऑब्टेंड हुआ 5521। अब नेक्स्ट बेटे देखिएगा कि इसमें हमें इसका अगला जो डिजिट था वो था 7। 7 को हमने इसी तरह से जिस तरह हमने पहले वो डिफरेंस में देखा है 74 के सामने 7 के कॉलम में हम डिफरेंस में देखेंगे तो ये 9 हमें ऑब्टेन होगा। तो इस 9 को हमने जो वो इस मेंटिसा में ऐड अप करना है, यहाँ पे हमने ऐड किया है तो ये हमारे पास 5530 जो है वो ऑब्टेन हो। अब इसके बाद देखते हैं बेटे, अब वो जो पहले हमने इस क्वेश्चन में प्लेस ऑफ रेफरेंस दिया था, अब यहाँ पे इसके मेंटिसा में देंगे बेटे। ये देखिएगा कि यहाँ पे ये 5530 है, तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो इसको हम स्किप करेंगे और उसके बाद प्लेस ऑफ रेफरेंस देंगे। प्लेस ऑफ रेफरेंस के बाद हमारा माइनस में था करेक्टरिस्टिक्स, तो हम अगर हमारा प्लस में होता तो हम जो राइट साइड पे इसका पॉइंट लगाते, अब ये चूंकि माइनस में है तो इसका पॉइंट हम जो है वो लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। तो ये आंसर होगा मतलब प्लेस ऑफ रेफरेंस से लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट को हम जो है वो छोड़ेंगे तो इस तरफ जब आएंगे तो 0.5530 ये हमारा आंसर होगा बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने इसके सारे बाकी पार्ट्स जो है वो अपनी कॉपी पे उतारने और क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स जो है वो उसमें उतारने। और अगर बेटे इनमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी इसमें कोई भी पार्ट आपको मुश्किल लगे तो वो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के जो वो दोबारा से उस ग्रुप में जो वो सेंड कर दूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। जज़ाकअल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।